600 शानदार टाइमिंग और अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मैं अपने आप से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। पाकिस्तान की तरफ से जितनी क्रिकेट खेला, नेशनल टीम की तरफ से, वो भी वन ऑफ द लकी कि मैंने ये सारा कुछ अचीव किया। डोमेस्टिक में जब आके खेलता था, शौक से खेला हूँ, जहाँ भी खेला हूँ, क्लब क्रिकेट खेली है, हर जगह पे जो है वो शौक से खेला। इमरान फरहत की ये 38वीं सेंचुरी मुकम्मल हुई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। बड़ी मज़े की यादें हैं। न्यूजीलैंड में हमने एक साथ डेब्यू किया था, चार हम यंगस्टर्स एक साथ हुए थे, जिसमें मैं, मोहम्मद समी, मिसबा और इमरान फरहत ने डेब्यू किया था, और हमने सीनियर प्लेयरों को उनके रिप्लेसमेंट में वो मैच खेला था, और माशाल्लाह चार दिन में हमने वो टेस्ट मैच ऑकलैंड में जीता था। इमरान फरहत का पहली दफ़ा जब मैंने सुना था तो वो ये था कि नवाब साहब के ग्राउंड में दो भाई हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त खेलते, एक लेफ्ट हैंडर है उसमें खासकर, जो कि बड़ी ही, मतलब उसकी तारीफें बहुत हो रही थी कि ये बैट्समैन है फॉर द फ्यूचर। इमरान ऑब्वियसली कैप्टन एज अ प्लेयर तो बहुत हमेशा से अच्छे रहे हैं, और वो जिस टीम में भी खेले हैं, हमारी ऑपोजिशन टीम जब भी आती थी, जब हम पी आई अभी बैंक खेलते थे या लाहौर कराची खेलते थे, तो वो हमेशा उस चीज़ को मतलब फ्रंट से लीड करते थे। कैप्टन रहे हैं काफ़ी साल, तो उनका मैन मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा है। ओपनिंग का स्लॉट कितना मुश्किल होता है, तो पता है कि जब ओपनिंग करने जाता है आदमी, नई पिच नहीं है, नया ग्राउंड वो है, बॉलर्स का क्या है, मूवमेंट कितनी होगी कितनी नहीं होगी, तो पिच रीड करना कोई इतना आसान नहीं है। तो ये उन कंडीशन में खेलता था, और ना सिर्फ खुद खेलता था बल्कि जो सामने खेल रहा होता था उसको भी कहना है कुछ ना कुछ वक्त, जैसे ओवर ख़त्म हो या बीच में कोई गलती कर रहा हो, उसको जो भी अपने समझता था कि मैं वो गलत कर रहा है, उसको वो कोशिश करता था कि चेंज करे। ही इज ऑलवेज बीन अ गुड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मैं उन लोगों में से हूँ जिनका अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम था। एक स्पोर्ट्स फैमिली से ताल्लुक़ था, और जिस तरह से घर से सपोर्ट मिली, स्पेशली मेरे फादर ने जिस तरह से हमें जो है खिलाया और जिस तरह से मेहनत करवाई है, उसी का ही रिज़ल्ट उनको हमने रिप्लाई किया, मेहनत करके दिखाई। प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग आए हैं सब, हमारा जो बैच था अंडर 19 का, वो सब भी एक साथ ही। ये ज़रूर प्लान था कि नेशनल टीम से खेलना, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा तो वो एक सरप्राइज़ था हमारे लिए। लेकिन जब आप पहला मैच में खेल रहा था तो ऑफ कोर्स वैसे लग रहा था कि जो है ना बड़ी कन्फ्यूजन थी, वो ब्रीदिंग जो थी वो फास्ट हो जाती है, अंदर क्या करना है, लेकिन ये कि ग्रोथ इतनी अच्छी थी कि वो इतना फील ही नहीं हुआ। सीनियर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, एक ऐसी जर्नी थी कि वो क्रिकेट बैक टू बैक मिल रही थी और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे, सोचा भी नहीं था कभी। बड़े बड़े नाम, सईद अनवर, इंजमामुल हक, वसीम भाई, ये हम लोगों को बड़े, हम लकी हैं कि ये लोगों को हमने देख लिया और इनके साथ खेल लिया। मैंने बहुत इन्जॉय किया है, मेरे लिए चाहे मैं क्लब की क्रिकेट खेला और इंटरनेशनल खेला, मैंने क्रिकेट को जो है ना एक पैशन समझ के खेला है। जिसमें पैशन है वो सब कुछ कर सकता है। जो हार्ड टाइम आता था, जब कभी आउट होता था तो अपने आप को बैक करता था, ये नहीं था कि सोचता था कि क्रिकेट छोड़ने नहीं है, चांस नहीं मिल रहा। हार्ड टाइम आया, प्रेशर आया, तो कैसे खेलना, आपने खेलना है, करके दिखाना है, सीखना है। मेरे इंटायर कैरियर में कोई फ़ाइन नहीं है, कभी डिसिप्लिन की शिकायत नहीं आई है। सो मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, और मेरे जो जितने भी टीम मेट हैं ये सब हैं, ये बहुत खुश हैं। और ये आखिरी साल है बलूचिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ, और अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे अच्छा एक एंडिंग हो, और ताकि ये है कि मुझे याद रहे, और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं, थैंक्स टू माई फैन, माई फैमिली, माई फादर इन लॉ स्पेशली, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बैक किया है। ये सारे मेरी वालदा की बहुत सारी दुआएँ हैं, मेरे भाई हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मुझे किया, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, जितनी भी क्रिकेट खेलूँगा।